गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज चंद्रा कल फ्रॉम क्लास सिक्स। आज हम राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में बात करेंगे। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन महान भारतीय दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। भारत सरकार ने 1984 में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को घोषित किया और 1985 से हर साल 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक वकील थे। उनकी माता गृहिणी थी। स्वामी विवेकानंद ने पैदल ही पूरे भारत की यात्रा की। वो 1893 में शिकागो धर्म संसद गए और 1896 तक अमेरिका में रहे। स्वामी विवेकानंद ने 9 दिसंबर 1893 को कलकत्ता के निकट गंगा नदी के किनारे बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद संत व भारत के सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने कई विषयों पर अपने बहुमूल्य विचार दिए हैं। स्वामी विवेकानंद ने योग, राजयोग तथा ज्ञान योग जैसे ग्रंथों की रचना की। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं देश की सबसे बड़ी दार्शनिक संपत्ति है। इस दार्शनिक गुरु की जन्म तिथि पर युवा दिवस घोषित करने का उद्देश्य आने वाली पीढ़ी में इन पवित्र आदर्शों को पैदा करना है। सन 1985 में राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन यानी 12 जनवरी को प्रतिवर्ष रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय के साथ ही उनकी शाखा केंद्रों पर स्वामी विवेकानंद के प्रति काफ़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। विभिन्न स्थानों पर इस दिन मंगल आरती, हवन, ध्यान आरती, भक्ति गीत, धार्मिक प्रवचन और संध्या आरती आदि का आयोजन होता है। देश की लगभग सभी शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रीय युवा दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। भारत पर अंग्रेजियत हावी हो रही थी, तभी स्वामी विवेकानंद ने जन्म लेकर न केवल हिंदू धर्म को अपना गौरव लौटाया अपितु विश्व फलक पर भारतीय संस्कृति व सभ्यता का परचम भी लहराया। नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बनने का सफर उनके हृदय में उत्तरे सृष्टि व ईश्वर को लेकर सवाल व अपार जिज्ञासाओं का ही साक्षा परिणाम है। धन्यवाद।